हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है 9 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 9 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें आप लोगों को डेली क्विज फ्री पी और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा और जैसा कि आप सभी जानते है, हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट टेन मंथ्स की करंट अफेयर की पीडीएफ जिसमें एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक के सेलेक्टेड 601 सौ वन लाइनर करंट अफेयर ये कवर कराए गए हैं और देखिए ये करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में है जो कि आप लोगों के लिए बीस रुपए में अवेलेबल है तो देखिए ये तो बात हुई वन लाइनर पी की यदि आप लोगों को जनवरी टू अक्टूबर यानी कि इन दस महीनों की करंट अफेयर की पी डी एफ विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो ये करंट अफेयर की पी ये कल लॉन्च की जाएगी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हाल ही में कानूनी सेवा दिवस ये कब मनाया गया है यानी कि लीगल सर्विस डे तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 9 नवंबर को और इस दिवस को मनाया जाने का पर्पज़ क्या है तो देखिए जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें निशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना और देश के हर कमज़ोर नागरिकों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में कानूनी सेवा दिवस ये मनाया जाता है 9 नवंबर को अभी यदि हम नवंबर मंथ के सभी इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज करें तो एक नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड वेजन डे जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये मनाया जाता है एक अक्टूबर को दो नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पाँच नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और सात नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जबकि जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये मनाया जाता है चार फरवरी को नेक्स्ट है हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी सी डेनियल पुरस्कार किसने जीता है तो ये भी हाल ही में जीत लिया है हरिहरन ने तो देखिए ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार हैं नाम है हरिहरन इन्होंने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीत लिया है और पुरस्कार के रूप में इन्हें पाँच लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की जाएगी यदि हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें तो हाल ही में जो पॉल जकारिया है इन्हें अट्ठाईसवें एजुत हचन पुरस्कार के लिए चुना गया है ये एजुत हचन पुरस्कार ये क्या है तो देखिए केरल जगत का यानी कि केरल राज्य में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है एजुत हसन पुरस्कार जिसके लिए चुने गए हैं पॉल जकारिया अकितम नंबूतरी तो ये एक प्रसिद्ध मलयालम कवि है और इन्हें भी हाल ही में पचपनवें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि साहित्य जगत का मतलब कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है अकितम नंबूतरी ये सम्मानित किए गए जिसके बाद इनका निधन भी अभी हाल ही में हुआ है वासुदेव मोहे तो अभी हाल ही में जो उनतीसवां सरस्वती सम्मान रहा है इससे सम्मानित किए गए हैं वासुदेव मोहे हाल ही में अमेरिका के छियालीसवें राष्ट्रपति ये कौन बने हैं तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जो बाइडन जो बाइडन इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है और डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके ये बन गए हैं अमेरिका के छियालीसवें प्रेसिडेंट इसके अलावा जो भारतीय मूल की कमला हैरिस है ये यूएसए में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं यदि हम वर्ल्ड मैप में देखें यूएस की लोकेशन तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डी सी वाशिंगटन में हेडकोार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड बैंक और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है करेंसी तो ये है डॉलर भारत और अमेरिका के बीच तीन एक्सरसाइज होती है एक है कोप इंडिया दूसरी है वज्र प्रहार और तीसरी है युद्ध अभ्यास ये तीनों ही एक्सरसाइज है भारत और यूएस के बीच इसके अलावा स्पेस इस कमांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये यूएस ही है और विश्व के पहले स्पेस कमांड का नाम है स्पेस कॉम देखिए जो यूएस है ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में ये है साउथ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो नहर है ये है पनामा नहर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की तो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी सिटी है ये है मैक्सिको सिटी और जो मैक्सिको सिटी है ये सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी है तो ये भी आप याद रख सकते हैं यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो बराक ओबामा जी थे ये अमेरिका के चवालीसवें प्रेसिडेंट थे और अभी हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड डोनाल्ड ट्रंप ये रहे हैं पैंतालीसवें राष्ट्रपति जिन्हें 2021 के नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है जो बाइडन ये बने हैं प्रेसिडेंट कमला हैरिस ये बनी है वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में किस संगठन ने दस उपग्रहों के साथ पी एस एल वी सी फोर्टी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा और इसरो के द्वारा 2020 में यानी कि इस साल लॉन्च किया गया ये पहला मिशन है और देखिए जो इसरो है इसने पी एस एल वी मतलब कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल पी एस एल वी फोर्टी नाइन ई ओ एस जीरो वन के साथ मुख्य रूप से दस सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं अब यहाँ मैंने एक टर्म लिखा है ई ओ एस ये क्या है तो इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट या इसे आप कह सकते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और ये पी का इंक्यावनवा मिशन है जिसे कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है तो अभी यदि हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1969 में हेडक्वार्टर तो ये स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में बेंगलोर ये कर्नाटक की कैपिटल है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है इसी बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी शुरुआत की गई है और बेंगलोर में किसका हेडक्वार्टर स्थित है जो प्रसिद्ध आईटी कंपनी है इन्फोसिस इसका भी हेडक्वाटर स्थित है बेंगलोर में ही इसरो के अध्यक्ष कौन है तो ये हैं के शिवान जो के शिवान हैं इन्हें पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में चंद्रयान टू के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये भी हाल ही में बन गए हैं ज्ञानेन्द्रो निंगोबम जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर से मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है और पूर्वोत्तर भारत से अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं ज्ञानेन्द्रो निंगोबम और इसी हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष ये बन गए हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो कि पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे तो ज्ञानेन्द्रो ये बने हैं अध्यक्ष और मोहम्मद मुश्ताक ये बने हैं उपाध्यक्ष यदि हम बात करें हॉकी इंडिया की तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 20 मई 2009 हज़ार नौ में हेडकवाटर स्थित है नई दिल्ली में यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो राजीव जलोटा है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं जबकि जो रोहन जेटली है जो कि अरुण जेटली जी के बेटे हैं ये भी हाल ही में डी मतलब कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं हाल ही में संयुक्त कोस्टल अभ्यास यानी कि तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच इसका आयोजन कहाँ किया गया तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा में और ओडिशा में भी कहाँ ओडिशा के पारादीप में अच्छा इस अभ्यास का आयोजन क्यों किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए ये जो एक्सरसाइज़ है सागर कवच ये अभ्यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और इसे आयोजित किए जाने का पर्पस क्या है तो देखिए छब्बीस ग्यारह आतंकी हमले के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा जो कि मुंबई में हुआ था और ये जो आतंकी हमला हुआ था इसमें जो आतंकवादी है ये समुद्री रास्ते से मुंबई में एंटर किए थे तो छब्बीस ग्यारह हमले के बाद हर साल ये तटीय अभ्यास का आयोजन किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि सेनाओं द्वारा छब्बीस ग्यारह यानी कि मुंबई हमले जैसे हमलों को रोकने के लिए ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सागर कवच जो कि आयोजित किया गया ओडिशा के पारादीप में आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन इसकी राजधानी है भुवनेश्वर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक राज्यपाल है गणेशी लाल यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं इक्कीस राज्यसभा सीटों की संख्या है दस विधानसभा सीटें आती हैं एक सौ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये दोनों स्थित है ओडिशा में इसके अलावा हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में एक पीली प्रजाति का दुर्लभ कछुआ भी पाया गया है और जो ओडिशा है ये अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट है हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन बने हैं तो देखिए इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी और अभी हाल ही में हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है सूचना आयोग देखिए जो आरटीआई एक्ट है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत सूचना आयोग की स्थापना की गई थी और इसी के अध्यक्ष बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा इनसे पहले कौन थे विमल जुल्का जो कि कुछ समय पहले ही रिटायर्ड हुए और रिटायर होने के बाद ये भी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं यदि हम बात करें ए के गुप्ता की तो ये भी हाल ही में ओ एन जी सी ओ एन जी सी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तो ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड के नए अध्यक्ष ये बने हैं ए के गुप्ता जबकि जो अजय कुमार भल्ला है ये तो है हमारे गृह सचिव और गृह सचिव के रूप में अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है देखिए आप लोग अजय नाम में कन्फ्यूज नहीं होएगा यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तब तो ये हैं गृह सचिव यदि केवल अजय कुमार लिखा है तब ये हैं हमारे रक्षा सचिव और यदि अजय भूषण पांडे लिखा है तब ये हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव हाल ही में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है यानी कि सोलर बेस्ड फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आप इस टर्म से ही समझ सकते हैं मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अरुणाचल प्रदेश में और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 6 नवंबर 2020 को जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत इनके द्वारा किया गया है तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के लोबर दिबांग घाटी के गाँव के लिए सौर ऊर्जा से संचालित ये लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना है जो कि अट्ठाईस हजार आठ सौ पचास करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों को पीने का पानी भी मिल सकेगा और इसी का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में तो आप मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन इसकी राजधानी क्या है तो ये है ईटानगर मुख्यमंत्री तो ये हैं पेमा खांडू राज्यपाल तो ये हैं बी डी मिश्रा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाम दफा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में ही अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की तो हाल ही में असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसकी आधारशिला रखी गई है यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो भारत का पहला टायर पार्क ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में जबकि जो दिल्ली है दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक और ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है नेक्स्ट है किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए पर्यावरण स्थाई कार्यक्रम जिसका नाम है परिवर्तनम इसकी शुरुआत की है तो देखिए ऐसी कोई भी स्कीम जो कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो इस स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को ए टू जेड फैक्ट मालूम होने चाहिए लेकिन यदि कोई भी स्कीम राज्य सरकार लॉन्च करती है तो उसके बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए तो ये एक कार्यक्रम है जिसका नाम है परिवर्तनम जो कि लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा और किन के लिए किया गया है उन समुदायों के लिए मतलब कि वैसे लोग जो मछली पकड़ते हैं तो उनकी आजीविका में सुधार के लिए और उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है केरल गवर्नमेंट ने तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम जहाँ भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों ही स्थित है केरल में और इस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य ये क्या है तो ये है कथकली और देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र इसका उद्घाटन किया गया है केरल में केरल के कुटयूर के पास और चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य ये केरल ही है ये क्वेश्चन मैंने रिविजन के लिए रखा है हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति ये कौन बने हैं तो तंजानिया के नए राष्ट्रपति ये भी हाल ही में बन गए हैं जान मेगुफलीम तो सबसे पहले हम जान लेते हैं तंजानिया के बारे में आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं यदि आप इक्वेटर को देखेंगे यानी कि भूमध्य रेखा को तो अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है कांगो रिवर जो कि भूमध्य रेखा को दो बार काटती है जबकि अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है इसके बाद ये जो कर्क रेखा आप देख रहे हैं जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है कुल आठ राज्यों से तो भारत में जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में एक रिवर है माहे रिवर और ये जो माहे रिवर है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली रिवर भारत की माहे रिवर मकर रेखा को दो बार काटने वाली रिवर अफ्रीका की लिम्पोपो रिवर और इक्वेटर को दो बार काटने वाली रिवर ये है अफ्रीका की ही कांगो रिवर तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर जो कि पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था हजारों लाखों वर्ष पहले इसमें दरार पड़नी शुरू हुई और दरार पड़ते पड़ते ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया और ये जो आप तंजानिया के पास दरार पड़ा हुआ देख रहे हैं कहा जा रहा है कि आने वाले हजारों वर्षों बाद ये वाला हिस्सा भी अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा तो यहाँ हम बात कर रहे हैं तंजानिया की इसकी कैपिटल है डोडोमा करेंसी है तंजानिया शिलिंग और यहीं के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं जॉन मैगुफली। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में आंद्रेज डूडा ये बनाए गए हैं पोलैंड के राष्ट्रपति लुइस एड्स तो ये भी हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं जबकि जो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं ये भी हाल ही में सूरी नाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं कल मैंने आप लोगों से पूछा था अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है तो इसका राइट आंसर था जो बाइडन जो कि अब अमेरिका के छियालीसवें क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है गरीबों के लिए फ्री इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच